खबर उत्तराखंड के लालकुआ की है, जहां अम्बेडकर पार्क सेवा समिति ने भारत के संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की 133वीं जन्म दिवस समारोह बिंदुकता का अम्बेडकर भवन में आयोजन किया। इस दौरान डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के चित्र पर माल्यार्पण कर नमन किया गया और छात्र छात्राओं ने बाबा साहब की जीवनी पर आधारित सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया। वहीं कार्यक्रम में वक्ताओं ने बाबा साहब के जीवन पर प्रकाश डालते हुए उनके बताए मार्ग पर चलने का आह्वान किया। इस अवसर पर समिति के अध्यक्ष रमेश कुमार ने कहा कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने हमेशा सभी धर्मों का सम्मान करते हुए संविधान बनाया। उनका एक ही संकल्प था कि शिक्षित बनकर ही अच्छे समाज का निर्माण किया जा सकता है। वहीं पूर्व ब्लॉक प्रमुख संध्या डालाकोटी ने कहा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का नारा था कि शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो के नारों के साथ उनके बताए गए मार्ग पर चलना चाहिए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के 133वें जन्म दिवस के शुभ अवसर पर अंबेडकर समिति द्वारा यहां पर एक बहुत विशाल कार्यक्रम रखा गया। उसमें सारे क्षेत्र के सम्मानित जनप्रतिनिधि और सामाजिक और इस क्षेत्र की सम्मानित जनता आई और सबने डॉक्टर भीमराव के आदर्श के बारे में बोला भी और समझा भी। और यहाँ पर इस क्षेत्र के बच्चों द्वारा यहाँ पर एक सुंदर प्रस्तुतियाँ दिखाई जा रही है, किस संघर्ष से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने पढ़ाई करी थी और उन्होंने किस तरह से इस देश का संविधान लिखा, तो सभी चीज़ के बारे में यहाँ पर बताया गया। और हम लोगों को भी उनसे सीखना चाहिए, उनके तीन मूल मंत्र थे, संगठित रहिए, संघर्ष करिए और शिक्षित बनिए, तो उसी रूपरेखा में हम लोग समाज में काम करेंगे और इस क्षेत्र को आगे बढ़ाएंगे। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की हमेशा जय जयकार।